तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि मुल्क के एक बेशतर इलाकों में जलजिले के बहुत ही शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। हर जानब अल्लाह अकबर और कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद थी। तफसीलात के मुताबिक जुम्मे की रात को एक मरतबा फिर मुल्क के कई इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि जुम्मे की रात को मुल्क के कई शहरों में शदीद जलजला आया, जिसके बायस लोग खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। इस दौरान लोग मुसलसल बआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा का वर्द करते रहे। ताहाल जलजले के बायस किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली, जबकि जलजले की शिद्दत, मरकज और गहराई के हवाले से तफसीलात भी हासिल करने की कोशिश जारी है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान मुसलसल जलजलों की जिद में है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा का स्वात रीजन आए रोज जलजलों की जिद में रहता है। ताहम अब एक साथ मुल्क के बेशतर शहरों में जलजले के झटकों ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। नाज़रीन, अभी भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और इसके साथ आपको फिर से बताते चलें कि वाज़ह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान मुसलसल जलजलों की जिद में है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा का स्वात रीजन आए रोज जलजलों की जिद में रहता है। ताहम अब एक साथ मुल्क के बेशतर शहरों में जलजले के झटकों ने लोगों को खौफजदा कर दिया और लोग बाहर आकर सड़कों पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और कलमा तैयबा का वर्द करते रहे।